हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, होली का त्यौहार ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों की होली कैसी गई आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को जो कि मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको, और जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ व्यू कर रहे हैं उनको भी, मैं सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहूँगी। सभी फ्रेंड्स को मेरे थैंक यू। तो आज मैं क्या क्रंच करने वाली हूँ चलिए बताते हैं। सबको बहुत देर से मतलब वेट था कोलकाता के एयरपोर्ट्स का क्रंचिंग का, तो मैं आज उसी का वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो कोलकाता क्लेपॉट का वॉशिंग एंड क्लीनिंग ड्राइंग सब कंप्लीट हो गया है, आज मैं क्रंच करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने दो कोलकाता क्लेपॉट ली हुई है, मैं इन दोनों को क्रंच करने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा क्रंच शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स मेरा आज का क्रंच कंप्लीट हुआ। ये जो कोलकाता क्लेपॉट था बहुत बहुत ही ज़्यादा अर्दी था, बहुत ही ज़्यादा अर्दी क्रंची भी था, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं था, सॉफ्ट था, पूरा पूरा सॉफ्ट और तुरंत तुरंत बाइट हो रहा है, तो मतलब क्रंच करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत ही मज़ा आया क्रंच करके, और अर्दी स्मेल इतना था कि पूरा मुंह में घुल कर एकदम मतलब अंदर तक पूरा मतलब सेटिस्फाइड हुआ। बहुत ही अर्दीनेस था इस क्ले पॉट में। मैंने जितने क्ले पॉट भी अभी तक क्रंच किया है, सबसे मुझे यही अर्दी लगा, ये वाला कोलकाता क्ले पॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्ले पॉट अर्दी थे, क्रंची थे और सॉफ्ट थे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में जरूर से ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा आज का कोलकाता क्ले पॉट का क्रंच कैसा लगा, जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब फ्रेंड्स सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।